हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं मार्च मैगजीन 2024 की विजन आईएएस की मैगजीन है। गाइस, मंथली मैगजीन है जिसके हमने गाइस ऑलरेडी पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पूरा टॉपिक देख लिया है। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस को खत्म करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी 5 टॉपिक्स कम्प्लीटेड हैं आपके। दो टॉपिक्स बचे हैं वो आज कर दिए जाएंगे कम्प्लीट। शॉर्ट्स भी हैं वो भी कम्प्लीट आज के डेट में आपको मिल जाएंगे। तो अगर कोई आप चैनल पर नए हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। और अगर आप 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं यूपीएससी का और इवन स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम भी देने जा रहे हैं, तो करंट अफेयर प्लस स्टैटिक भी इसमें मैं डाल देती हूँ। क्यों डाल देती हूँ? क्योंकि वो फिर रिलेट हो जाता है और वही एग्ज़ाम में आपको पता है वो आता भी है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपकी चिंता खत्म हो जाएगी पीएम पाठशाला ज्वाइन करने से, क्योंकि यहाँ पे ना बड़े कंसोलिडेटेड मैनर में स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ बताया जा रहा है कि हाउ टू गो थ्रू विद द करंट अफेयर्स प्रॉपरली, राइट? तो आपको एक तो 2024 का जो पेपर देने जा रहे हैं उनको अब ज़्यादा टाइम तो रह नहीं गया कि वो बैठ के एक एक चीज़ पढ़ें, तो चैनल पर सुन लोगे उससे काम हो जाएगा। अच्छा, 2025 में भी जो अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि देखो अगर वो नए हैं बिल्कुल अभी, या इवन नहीं, कई बार क्या होता है कि हम जॉब्स में हैं और हम मैगजीन के एक एक वर्ड को पढ़ नहीं सकते हैं, तो वीडियो बहुत अच्छा तरीका है कि उसमें आपको जो पढ़ाने वाला मिल गया, एक मीडिएटर मिल जाता है, एक गाइडेंस मिल जाती है, तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो एक फैसिलिटेटर के रूप में मैं आपके साथ ही हूँ और पूरा बताऊँगी कि आपको कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है करंट अफेयर्स को, एंड स्टैटिक क्वेश्चन को कैसे कवर करना है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड पेपर कैसे सॉल्व करेगा, मेंस कैसे करना है, इंटरव्यू में डिस्कशन कैसे करोगे पैनल बोर्ड के साथ, उस सारा का सारा फिगर आउट करके आई विल लेट यू नो एवरीथिंग। सो चैनल के साथ जुड़े रहिए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। अपने फ्रेंड्स के अमंग जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बड़ी महंगी कोचिंग, उनके लिए देखो यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम होगा और पीएम पाठशाला इतना जेन्युइन चीज़ें आपको बताएगा कि आपका काम यहीं पे हो जाएगा। तो जुड़े रहिए। तो आज हम टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं 6 टॉपिक, दैट इज रिलेटेड टू इंडिया EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। सबसे पहली बात है कि EFTA है क्या, इंडिया ऐसा किसके साथ ट्रेड एंड अग्रीमेंट इकोनॉमिक अग्रीमेंट साइन करने जा रहा है। तो EFTA का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। हमने इनके साथ मिलकर टीपा साइन किया है, दैट इज ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। अभी क्यों साइन किया है? क्योंकि देखो EFTA में 13 मिलियन पॉपुलेशन मिलेगी और जिनका $1 ट्रिलियन से ज़्यादा आपका कंबाइंड GDP है, 9th लार्जेस्ट है इनका मर्केंडाइज ट्रेडर इन द वर्ल्ड और ये 5th लार्जेस्ट ट्रेडर है कमर्शियल एक्टिविटीज़ में। तो यानी कि हमारे लिए, हमने इनको इकोनॉमिक एस्पेक्ट से पकड़ा और अग्रीमेंट करा। अब अग्रीमेंट में 14 चैप्टर हैं जिसका मेन फोकस है कि मार्केट का एक्सेस मिल जाए गुड्स के लिए, रूल्स ऑफ ओरिजिन, ट्रेड फैसिलिटेशन, ये सारी चीज़ें हो जाए, ट्रेड की रेमेडी कुछ कैसे लेनी है, फाइटोसैनिटरी मेजर्स, सैनिटरी मेजर्स कैसे लेने हैं, वो सारा का सारा अग्रीमेंट में सारे क्लॉज लिखे हुए हैं। तो पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि इंडिया EFTA के साथ, यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ, पहली बार इंडिया FTA करने जा रहा है। अब यहीं से देखो सवाल उठाएगा प्रिलिम्स में कि EFTA सेकेंड टाइम इंडिया करने जा रहा है, तो वहीं पर आपका क्लिक कर जाना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें ऐसी फर्स्ट टाइम होती है ना वो बिल्कुल नज़रों में होनी चाहिए आपके। फर्स्ट टाइम ऐसा इंडिया करने जा रहा है, फ्री ट्रेड एसोसिएशन साइन करने जा रहा है EFTA के साथ। अब EFTA आया कब? कह रहा है ये बहुत पुराना है, 1960 से आ गया है, स्टॉकहोल्म की जब कन्वेंशन थी जिसका काम ही यही था इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना, यूरोप के कंट्रीज में फ्री ट्रेड बढ़ाना, तब से ही आ गया है। कह रहा है इसके प्रेजेंट मेंबर जो हैं, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है, लाइनस्टाइन है, विच आर नॉट पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, वो भी इसका पार्ट बना हुआ है, ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क है, UK है, पोर्टुगल है, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन, सारे के सारे इनिशियल मेंबर्स थे और मैंने आपको बता दिया प्रेजेंटली ये सारे मेंबर्स हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं है ये, लेकिन सोचो EFTA का पार्ट है ये। लेकिन तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कम्स अंडर EFTA, वो क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है कि जी स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है, लाइटेंशियन है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क। तो एक आपको क्या करना है, यहाँ पर एक निमोनिक तैयार करना है और बताना है, निमोनिक तैयार करो कि EFTA की कंट्रीज का क्या निमोनिक बन सकता है और उसको शेयर कर दो कमेंट सेक्शन में, दूसरों का भी भला करो, विन विन सिचुएशन पे लीड करना है। ये पढ़ाई देखो एक ऐसी है कि सबकी हेल्प करते हुए चलना है, ज़्यादा किसी को अंडर एस्टिमेट मत करना और किसी को बहुत ज़्यादा ये मत सोच के चलना कि ये नॉलेज मेरे पास ही रहे, शेयर करोगे, केयर करोगे तो बहुत अच्छा आप रिजल्ट लाओगे। अच्छा, इंडिया EFTA ट्रेड रिलेशनशिप में टोटल मर्केंडाइज $22.33 बिलियन का है 2023 तक रहा, एक्सीड कर रहा है जो कि इंडिया, देखो इसमें
इम्पोर्ट क्या करता है इंडिया, यानी कि खरीदता क्या क्या है यूरोप की कंट्रीज से। एक हम नेचुरल पर्ल्स खरीदते हैं, प्रेशस स्टोन मटेरियल्स खरीदते हैं, जो कि 81.7% का ट्रेड हमारा वो है। हम बेचते पता है क्या है, ऑर्गेनिक केमिकल्स बेचते हैं, पर्ल्स बेचते हैं, प्रेशस स्टोन मेटल्स हम भी बेचते हैं। तो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है स्विट्जरलैंड, आपको पता होगा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, फिर नॉर्वे भी हमारा एक है। तो इंडिया का क्या हो रहा है कि इंडिया ने ना ट्रेड डेफिसिट चल रहा है इंडिया का स्विट्जरलैंड के साथ, क्योंकि हम बहुत ज्यादा गोल्ड इम्पोर्ट करते हैं वहां से। तो देखो ये भी एक वजह है कि हमें AFTA साइन करना पड़ रहा है। अब जो आपका ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है, इसका मकसद यही है कि इंडिया चाहता है अपना FDI का स्टॉक बढ़ाना बाय US$100 बिलियन इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स, क्योंकि हम चाहते हैं। दूसरा क्या होगा, जब हम FTA पे साइन करेंगे, टीपा पे साइन करें, हमने करा है, उसकी दूसरी वजह यह है कि इससे 1 मिलियन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इंडिया को मिलेगी, तो बेरोजगारी की समस्या खत्म होगी। सेकंड होगा लीगल कमिटमेंट, यानी फॉर द फर्स्ट एवर टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ फ्री ट्रेड एसोसिएशन लीगल कमिटमेंट किया जा रहा है कि भाई टारगेट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट की जाए और जॉब्स क्रिएट की जाए। फिर नेक्स्ट है म्यूचुअल रिकॉग्निशन अग्रीमेंट प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए, जैसे नर्सिंग है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आर्किटेक्ट्स है, इनको भी इस प्रोफेशनल सर्विसेज भी हमारी बढ़ जाए। टैरिफ का रिडक्शन होएगा तो एलिमिनेट होगा, तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो भी कवर होगा, तो ट्रेड डेफिसिट हमारा कम होगा। फिर मार्केट के एक्सेस पे अगर आप जाते हो तो EFTA जो है मार्केट एक्सेस ऑफर कवर्स 100% ऑफ नॉन एग्री प्रोडक्ट्स। और उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कमिटमेंट्स की बात आ रही है कि भाई अलाइन करके चलना है हमें, ट्रिप्स के स्टैंडर्ड में चलना है, ताकि हमारे हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट जो हम देते हैं अपने पेटेंट राइट्स को लेकर वो भी हमारा निप पाए। तो हमने टीपा पे साइन इसी वजह से किया, ये सारे से सारे सारे पॉइंट हमने उठाए हैं वहां पर। और देखो आपको पता होना चाहिए ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप करने से किसी भी कंट्री के साथ जब आप करते हो तो एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ मिलती है, आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, आपका EU की मार्केट में मार्केट को एक्सेस मिलेगा, आपकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तो मेक इन इंडिया 2015 से जो कि आया हुआ है उसको भी बूस्ट मिलेगा। फिर टेक्नोलॉजी का कोलैबोरेशन होगा, तो आपके पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होके आएगी, तो आपके पास बहुत सारे फायदे हो जाते हैं किसी भी कंट्री के साथ अगर आप फ्री ट्रेड एसोसिएशन करते हो। अब टीपा में इशू क्या है, देखो हर चीज के कुछ कुछ क्राइसिस भी तो होता है। तो पहला क्राइसिस है डेटा की एक्सक्लूसिविटी, यानी कि इसमें EFTA नेशंस में कुछ ऐसी चीजें हैं जो डोमेस्टिक जेनरिक ड्रग्स को प्रिवेंट करती है मैन्युफैक्चरिंग डेटा में, वहां पर कुछ लिखा ही नहीं है। प्री क्लिनिकल टेस्ट, क्लिनिकल टेस्ट, उसमें कुछ भी नहीं लिखा है। इंडिया ने हालांकि इस डेटा को ऑलरेडी रिजेक्ट करा हुआ है, तो डोमेस्टिक जेनरिक ड्रग्स की मैन्युफैक्चरर्स के बारे में वहां पे कुछ डेटा ही नहीं है। दूसरा जो ट्रेड टैरिफ है उसको एक्सक्लूड करा हुआ है, सेंसिटिव सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर डेयरी को हम हटा रखा है, कह रहा है जैसे सेक्टर है डेयरी है सोया है कोल है या सेंसिटिव एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसकी जो लिस्ट से हमारी बाहर है, तो वहां पर हमें ड्यूटी कंसेशन नहीं मिलेगा। फिर असिमेट्रिक ट्रेड होगा, क्यों, क्योंकि जो टैरिफ रिडक्शन है वो कहीं कहीं हुआ है और EFTA ऑलरेडी हैव लो टैरिफ, तो दिस कुड लीड टू ट्रेड गैप हो जाएगा। इंडिया बहुत ज्यादा इम्पोर्ट अभी कर ही रहा है, फिर और करेगा तो ट्रेड डेफिसिट तो वैसे ही बना रहेगा। फिर कंस्ट्रेंट है इन्वेस्टमेंट ऑब्लिगेशन से, यानी जो टीपा के अंदर इंडिया को, क्योंकि रिवोक कंसेशन करेगा, इंडिया का ऑप्शन ले रखा है 18 साल के अंदर अंदर तक, तो इफ दे फेल टू मीट FDI कमिटमेंट खत्म हो जाएंगे। तो अगर देखो हमारे लिए ये अग्रीमेंट तभी सही साबित होगा अगर हम सारे कंसर्न्स और इफेक्टिव तरीके से अग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो हमारा रिलेशनशिप सच में ग्रो कर जाएंगे फिर तो हम। और देखो हम ये चाहते हैं फ्यूचर प्रूफ रिलेशनशिप रहे हमारा, एडिशनल एरियाज ऑफ कोऑपरेशन भी हम आउटलाइन करके उसको भी, उस पर भी साइन करें। तो देखो पोटेंशियल है हमारा, देखो अगर हम इस सारी प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को अगर हम अपॉर्चुनिटी बना के कर पाए ना, तो यकीन मानना हमारा MSME बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि इनको बहुत सारे इनिशिएटिव्स मिल जाएंगे, और MSME अगर आ गया ट्रेड फ्लो में तो उसके बल्ले बल्ले हैं। फिर बिजनेस की आउटरीच बढ़ेगी, देखो दोनों ही साइड्स में वर्कशॉप सेमिनार्स लगेंगे, बिजनेसेस को एजुकेशन मिलेगी, उनको पता पड़ेगा नई मार्केट अपॉर्चुनिटीज का, इनोवेशन होगा, तो अल्टीमेटली यू विल गेट क्लीन टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब फील्ड्स भी ऐसी हैं जहाँ पर ना हम सोच सकते हैं कि ये कोऑपरेशन बन सकता है हमारा। तो देखो कह रहा है कि जब भी ना ट्रेड अग्रीमेंट होता है, तो यानी कि ट्रेड अग्रीमेंट किस बेसिस पर होएगा,
कॉमन मार्केट, कस्टम यूनियन, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, प्रिफरेंशियली, सारे के सारे ट्रेड अग्रीमेंट्स की स्कीम्स हैं। अर्ली हार्वेस्ट स्कीम है, प्रिकर्सर है, प्रिफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं, FTAs हैं। ये सारे के सारे ना गाइस ट्रेड अग्रीमेंट्स होते हैं। जब भी हम किसी भी ट्रेड पे अग्री करने वाले होते हैं तो हमें इनका ध्यान रखना होता है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में देखो क्या होता है, दो से दो ज्यादा कंट्रीज ट्रेडिंग ब्लॉक में आती हैं ताकि कस्टम टैरिफ वगैरह खत्म हो, जैसे इंडिया श्रीलंका का है, ताकि टैरिफ बैरियर, देखो अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट महंगा क्यों बिके, है ना, या महंगा क्यों खरीदे हम, तो टैरिफ बैरियर्स को हटाने के लिए किया जाता है। कस्टम यूनियन है तो वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, कि वहाँ पे जितनी भी पार्टनर कंट्रीज हैं वो आपस में जीरो ड्यूटीज और आपस में ट्रेड करती रहती हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी और अपनी कंट्रीज के बीच में भी एक कॉमन मार्केट तैयार कर दी जाती है। ठीक है, यूरोपियन की जैसे एक कॉमन मार्केट है जहाँ पे फ्री मूवमेंट है लेबर की, कैपिटल की, तो इसीलिए तैयार करा जाता है ताकि आपको अल्टीमेटली बूस्ट हो आपके ट्रेड में, आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़े, आप इकोनॉमिकली ग्रो कर पाओ, क्लीन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर पाओ। तो ये सारा का सारा फैक्टर है जिसके तहत फ्री ट्रेड एसोसिएशन होता है। अब हम चलते हैं सीधा हमारे इंडिया भूटान के रिलेशंस पे। तो आपको जान के बड़ी खुशी होगी, प्राइम मिनिस्टर मोदी फर्स्ट ऐसे भूटान में उनको की ऑर्डर ऑफ द ड्रॉक गायलपो करके हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उन्हें ऑनर किया गया है। तो ये हाईएस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है भूटान का, और ये इसीलिए उनको दिया गया क्योंकि वो ऐसे पहले उन्होंने स्ट्रेंथन किया इंडिया की भूटान फ्रेंडशिप को, और पीपल सेंट्रिक लीडरशिप होने की वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, जी ये गैल्पो करके, ड्रुक गैल्पो करके, अब लग नहीं रहा ना ये अवार्ड है, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गैल्पो कर लग रहा है क्या, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पेपर में पूछ लेगा ये था क्या और ये किसको मिला है, किस कंट्री से किस प्राइम मिनिस्टर को मिला है। तो बहुत अलर्ट होके पढ़ो, इसी अलर्टनेस के साथ पढ़ने की जरूरत है, और यही वीडियोस के फायदे होते हैं गाइस। अब ये मिला मिला तो देखो प्राइम मिनिस्टर के कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है कि उन्होंने भाई इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ग्लोबल पार की तरह, क्योंकि वो राइज भी इंडिया कर रहा है, प्रेस्टीजियस अवार्ड है दिया गया। अब इसमें क्या होता है, इंडिया ने 10,000 करोड़ रुपए एज अ फाइनेंशियल सपोर्ट नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए भूटान को दिए हैं ताकि कोऑपरेशन हमारा एनर्जी स्पेस पर बढ़ जाए। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हमने दो रेलवे लिंक्स के लिए करा है, एक कोकराझार गेलपू और बनारस समस्त से करके उन्होंने कनेक्टिविटी ताकि हमारी अच्छी हो जाए वो किया है। हमने यहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की भी बात करी है कि 2024 तक ये हम पुनत संगचू करके बना है और इसमें 1020 मेगावाट की कैपेसिटी होगी। अब देखो भूटान को ना देखो एज अ कंट्री भी जान लो आप, कि भूटान कहाँ इस्टेब्लिश्ड है पूरा, ये भी ज़रूर आपको पता होना चाहिए गाइस। इसकी थिम्फू कैपिटल है, लैंड लॉक कंट्री है, इंडिया और चाइना के बीच में है, ईस्टर्न हिमालयाज में आती है, 699 किलोमीटर ये 4 इंडियन स्टेट से करता है। आप देखो ये ज़रूर पता होना चाहिए कि भूटान पीसीएस के एग्जाम्स में भी आ सकता है। और आप ना देखो यूपीएससी को ना ऐसा मत समझो कि यूपीएससी कभी इस तरह के सवाल पूछेगी ही नहीं, ट्रेंड जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, पर ट्रेंड उसका पता है ना आपको हर साल ही बदल जाता है, तो आपको बड़ा स्पेशलाइज होके सोचना है। और आपको पता है मैं अक्सर जब कम्युनिटी में क्वेश्चन डालती हूँ, एकाद आपने देखा होगा कि एक दो दिन में मैं ऐसे क्वेश्चन भी डालती हूँ जिसमें कंट्री की के बारे में ही है, या फला जगह पे ये चीज़ हुई है, ये ऐसे बॉर्डर कर रहा है, नॉर्थ में इसको बॉर्डर करता है, मैं डालती हूँ। तो भूटान के लिए भी किसी दिन क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको याद रखना है कि इंडिया के 4 स्टेट्स को बॉर्डर करता है, ए स्क्वायर डब्ल्यू एस बना लो, यानी कि असम है, अरुणाचल प्रदेश है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये तीन चारों कंट्री जो स्टेट्स हैं ये बॉर्डर करते हैं उसको। ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करोगे तो जितनी भी रिवर्स फ्लो कर रही हैं साउथवर्ड और ज्वाइन करती हैं ब्रह्मपुत्र रिवर को इंडिया में, भूटान वर्ल्ड का पहला कार्बन नेगेटिव कंट्री है, तो ज़रूर पता होना चाहिए। भूटान ही है जो बेस्ट नोन फिलॉसफी रखता है प्रमोटिंग ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस ओवर GDP। तो देखो छोटी सी कंट्री है पर देखो कितनी जबरदस्त बात है। उसके बाद इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है भूटान, अब एरिया ऑफ कोऑपरेशन समझने से पहले, क्योंकि वी आर डीलिंग विद भूटान फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड अंडरस्टैंड कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से भूटान इंपॉर्टेंट क्यों है। अब मैंने आपको कहा ना किसी भी कंट्री को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। भूटान की लोकेशन ऐसी जगह पर है कि चाइना भी है, इंडिया भी है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए भूटान
भूटान बेहद बेहद जरूरी है। और सेकंड बात है हमारा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। भूटान में अगर हम हाइड्रो पावर रिसोर्सेज अबेंडेंस में बहुत है, जिससे इंडिया के आने वाले दिनों में आपको लगता नहीं है हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी हमें, तो वहीं पर तो लाओगे आप। फिर इन्वायरमेंटल कोऑपरेशन की बात करोगे तो दोनों नेशन कंजर्वेशन डिजास्टर मैनेजमेंट इस पे काम करना चाहते हैं, दोनों ही हिमालयन इकोसिस्टम का पार्ट है, रीजनल इंटीग्रेशन का पार्ट है। हम बिम्स्टेक में आता है ये, सार्क नेशंस में भूटान पार्ट है, तो भूटान हमारे लिए इन सभी रीजंस की वजह से भूटान बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एरिया ऑफ कोऑपरेशन इंडिया और भूटान का कैसा है? कहना देखो डिप्लोमेसी की बात करते हो तो हमने फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन की ट्रीटी 1949 में भी साइन करी है और उसको रिन्यू करा हमने 2007 में। हमारा ट्रेड देखोगे तो इंडिया भूटान का टॉप ट्रेड पार्टनर है, इम्पोर्ट सोर्स भी है, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है और इंडिया के फेवर में रहता है सबसे बड़ी बात ट्रेड यहाँ का। इंडिया लीडिंग सोर्स है इन्वेस्टमेंट का, 50% FDI हम करते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स अग्रीमेंट हमने ट्रांजिट अग्रीमेंट करा हुआ है, फ्री ट्रेड रिजीम हमने करी हुई है। भूटान हमारा बिगेस्ट बेनिफिशरी है एक्सटर्नल एड का, भूटान ने डिसाइड करा टू बिकम हाई इनकम नेशन बाय 2023। इंडिया भी कमिटेड है टू स्टैंड फॉर ब्रांड भूटान एंड भूटान बिलीव। ये लिख कर आना आपको पेपर में ब्रांड भूटान और भूटान बिलीव क्या है। तो भूटान ने ये कसम खाई है कि 2034 तक हम हाई इनकम नेशन बन के दिखाएंगे। फिर कनेक्टिविटी की बात करोगे तो भूटान इज प्लानिंग टू बिल्ड अ इंटरनेशनल सिटी गेलफू माइंडफुलनेस सिटी, जो कि बॉर्डर करेगा असम को तो उसको भी कनेक्ट करेगा। तो हो गया आपका काम। दूसरा हाइड्रो पावर की बात करोगे तो इंडिया ने ऑलरेडी 4 मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करे हैं, चाहे वो कुरुचू है, ताला है, चुकू है, मंगदीचू है। 752 मेगावाट का है, 100 ओवर किया था 2024 में। कल्चरल रिलेशंस तो हमारे बड़े जबरदस्त हैं, बुद्धिज्म है यहाँ पर, दोनों कंट्रीज को सिमिलर आइडियोलॉजीज के साथ कनेक्ट करता है। फिर इंडिया भूटान की फाउंडेशन अभी से नहीं है, 2003 से ही है, पीपल टू पीपल एक्सचेंज यहीं पर हो रहा है। सिक्योरिटी में देखोगे तो इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम है जो परमानेंटली बेस्ड इन वेस्टर्न भूटान में असिस्ट करते हैं ये लोग रॉयल भूटान आर्मी को। इंडियन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्ड मेजोरिटी ऑफ रोड्स इन भूटान अंडर द प्रोजेक्ट दंतक। फिर नए इनिशिएटिव भी हमने क्या लिए हैं, रुपे हमने लॉन्च करा, भीम ऐप लॉन्च करी, डिजिटल द्रुक्योल करी, तो इसरो और भूटान एजेंसी दोनों ने इंडिया भूटान सेट कर रखा है। इंडिया इज ऑल्सो हेल्पिंग भूटान टू फिल शॉर्टेजेस ऑफ स्टेम टीचर्स। सोचो आप, वैक्सीन मैत्री में हमने इनको गिफ्ट किया था कोविशील्ड वैक्सीन, 5.5 लाख डोजेस दिए थे। लेकिन फिर भी कहीं कहीं देखो रिलेशनशिप है तो चैलेंजेस भी होते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जानते हो क्या है हमारा इनके साथ, हाइड्रो पावर के ट्रेड जब बात आती है ना तो वहाँ एक इशू आता है, क्योंकि इंडिया के बड़े पास में चेंजेस रहे हैं परचेजिंग पावर पॉलिसी को लेके, तो नेगोशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इनके साथ। तो डिले बहुत है हमारे साथ, तो आपको पता ही है कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट में हम डिले कर देते हैं। फिर हाइड आउट ऑफ मिलिटेंट से हम बड़ा परेशान रहते हैं। कह रहा क्या होता है, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट मिलिटेंट आउटफिट है लाइक यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बुदोज, ये सब जो है ना ये हमें पसंद नहीं आता, ये छुप छुप के क्या बनाए जा रहे हो, हमारे स्टेट्स को खराब कर रहे हो। फिर कह रहे हैं BBI इनिशिएटिव जो है हमारा बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल अग्रीमेंट इज ऑन होल्ड बाय भूटान ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। तो यहाँ पर हमारी इनकी खिटपिट हो जाती है। फिर इंक्रीज्ड फाइनेंशियल बर्डन इन भूटान एज इंडिया मूव्ड अवे फ्रॉम 60-40 मॉडल। पहले हम क्या करते थे, 60% ग्रांट देते थे और 40% लोन, अब हमने उसको 30-70 कर दी है। चाइना की प्रेजेंस से भी हम परेशान रहते हैं, भूटान का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है विद चाइना लाइक डोकलाम, वो सिक्योरिटी कंसर्न इंडिया के लिए भी तो है फिर, समझ रहे हो आप। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है हमें अपनी इकोनॉमिक इंगेजमेंट को, हम स्ट्रेंथन करें अपना कोऑपरेशन फिनटेक में, स्पेस टेक में, बायोटेक में। एंड इंडिया को चाहिए कि वो सस्टेनेबली इन्वेस्ट करे भूटान की सर्विस सेक्टर में इन लाइन विद दिस फिलॉसफी ऑफ ग्रोथ नेशनल हैप्पीनेस। फिर इंडिया ना लिवरेज भी दे गेलफू प्रोजेक्ट को, एक अपॉर्चुनिटी माने और काउंटर करे भूटान का एंगेजमेंट बिल्कुल भी बढ़ने ना दे चाइना के साथ। फिर हम ना ट्रायलॉग भी करें जो डोकलाम वाला इशू है, या उसके साथ एक ओपन चैनल भी रखें, अनसर्टेनिटीज को हटाएं, पीपल टू पीपल टाई, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के साथ करें और इंड्यूस करें बुद्धिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा, टूरिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ाएं। सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात रही, रियल शेयरिंग करो आप मिलिट्री आउटफिट्स वगैरह की सारी की सारी। अब देखो इंडिया भूटान चाइना का जो ट्रायंगल बन रहा है ना, वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है, चाइना का एक राइजिंग इन्फ्लुएंस इन भूटान वो हमें हमेशा परेशान कर सकता है।
तो हमें उस पर भी बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भूटान में बन रहे हैं, ये जो चाइनीज स्टेट ओन कंपनीज बना रही है, ये हमें नहीं अच्छा लग रहा। फिर टेरिटोरियल असर्टिवनेस है, डॉकलाम वाला प्लेट्यू जो है, चाइना हैज बिल्ट अ न्यू विलेज नोन एज पंगड़ा नियर डॉकलाम, हमें तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। फिर पॉलिटिकली फर्स्ट एवर विजिट भूटान फॉरेन मिनिस्टर टू चाइना, ये भी 2023 में हमें बड़ा हिला के रखा है इस बात ने। तो बहुत सी ऐसी जगहें हैं। तो इम्प्लीकेशन देखो, अगर चाइना का रोल भूटान में बढ़ा तो इंडिया पे असर डेफिनेटली आएगा। सिक्योरिटी कंसर्न सबसे पहले हमारे ऊपर, डोकलाम का बॉर्डर डील नहीं हुई ना, अगर भूटान चाइना नेगोशिएट कर गए, अगर समझ लो सिलीगुड़ी का जो कॉरिडोर है क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है वहां पर, तो ये भी ना चला जाए हमारे हाथ से, तो बड़ा संभल के चलने की हमें जरूरत है। बात समझ रहे हो? उसके बाद ये कह रहा है जो आपका जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, चाइना का प्रेजेंस वहां बढ़ते ही भूटान हमसे छिन जाएगा ना, मिलिट्री स्टैंड ऑफ वगैरह जो हम इतना करते हैं वो सब खत्म होएगा, बैलेंस खत्म हो जाएगा, एक्सेस टू डोकलाम वुड गिव चाइना लिवरेज टू इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट में घुसने की कोशिश करेंगे, वैसे अरुणाचल प्रदेश को ही अपना मानते हैं। फिर इंडिया का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। देखो अगर इनकी क्लोजर टाइज शुरू हो गए चाइना के साथ, तो हमारा जितना अभी बनाया हुआ पूरा ट्रेडिशनल प्रो इंडिया फॉरेन पॉलिसी भूटान की, वो सारी की सारी खराब हो जाएगी। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे भूटान में, बहुत जरूरी है। इनका नेगोशिएशन अगर वहाँ हुआ तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत कर सकता है। दैट इज वाई भूटान जैसी छोटी कंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट्स गाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इवनिंग तक वो भी मिल जाएगी। स्टे ट्यून टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।